इंडिया टीवी आपकी आवाज। और आज टीवी पर हो रहा है तंत्र और तर्क में बहुत बड़ा घमासान। पिछले आधे घंटे से एक घमासान जारी है। आपने अब तक देखा स्टूडियो में तंत्र पर तर्क भारी पड़ रहा है। तांत्रिक सुरेंद्र शर्मा ने पहले 5 मिनट का वक्त मांगा, रैशनलिस्ट सनल एदमारकू बेहोश नहीं हुए। अब देखेंगे क्या हुआ जब तांत्रिक ने 15 मिनट लंबा चैलेंज मांगा। जब तांत्रिक ने कहा कि मुझे 15 मिनट का वक्त दीजिए, मैं इस शख्स को बेहोश कर दूंगा, ने दिया और देखते हैं कि 15 मिनट के बाद क्या होगा। तंत्र और तर्क के बीच जंग अब आगे बढ़ चुकी थी। पहले राउंड में तांत्रिक सुरेंद्र शर्मा पूरी तरह फेल हो चुके थे। अब घमासान का दूसरा राउंड शुरू हुआ। अब तांत्रिक सुरेंद्र शर्मा ने अपनी तंत्र विद्या का प्रभाव दिखाने के लिए 15 मिनट का समय और मांगा। तांत्रिक ने रैशनलिस्ट सनल एदमारकू के ऊपर मंत्र पढ़कर पानी छिड़का और फिर बार बार तांत्रिक सनल के शरीर को कई जगह से छूने लगे। अगले 15 मिनट तक इस घमासान में जबरदस्त उलटफेर हुआ। देखिए घमासान के इस दूसरे राउंड में क्या हुआ, तर्क जीता या फिर तंत्र? साबित करने के लिए आपके पास 15 मिनट है पंडित जी। मैं बिल्कुल सिद्ध कर दूंगा, मैं सिद्ध कर दूंगा कि तंत्र मंत्र से ये बिल्कुल आपके पास ये तमाम साधन मौजूद हैं जो जिनकी मांग की आपने। आपका पानी है, आपने एक पुतला बनाया हुआ है आटे का, चाकू आपके पास, कर दो जो कुछ चाहिए तो कर दो। इसके बाद ये तंत्र चुनौती जो है मुझे स्वीकार है, तंत्र मंत्र की और शास्त्र की। ये कहें कि जितने मंत्र जितनी ध्वनि की गति से पूरे ब्रह्मांड में चक्र लगाता है और जिसके निमित्त छोड़ा गया है, सनल के निमित्त छोड़ा गया है, सकारात्मक शक्तियां लेकर के सनल को प्रहार करेगा, चाहे उन्हें उत्तेजना हो चाहे इन्हें बेहोशी है। मैं आपको कुछ टाइम लिमिट देता हूं। बिल्कुल आप अपनी प्रक्रिया शुरू कीजिए और ये सत्य के साथ बता दीजिए। सत्य के साथ आप ईमानदारी के साथ बताइएगा कि अगर आपको कुछ हो रहा है, महसूस कर रहे हैं। अभी तो 20 मिनट पहले बताए, मैं तो 5 मिनट में बेहोश हो जाएगा। कुछ नहीं हो गया। ओम राहवे शांति केतवे शांति ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकम् वंदना मृत्योर्मुक्षिम् मामृता या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थान नमस्तस्यै नमस्तस्यै। ओम ऐं ग्रीं क्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं स्तभ्यं जिह्वा कीले 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 बुद्धि विनाशाय। ओम ऐं ग्रीं क्लीं फट स्वाहा। ओम ऐं ग्रीं क्लीं फट स्वाहा। ओम ऐं ग्रीं क्लीं सर्वदुष्टानां वाचं मुखं स्तभ्यं जिह्वा कीले बुद्धि विनाशाय। ओम ऐं ग्रीं क्लीं फट स्वाहा। ओम ऐं ग्रीं क्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं स्तभ्यं जिह्वा कीले बुद्धि बुद्धि कीले कीले बुद्धि विनाशाय सवनल। ओम ऐं ग्रीं क्लीं। ओम नमामि श्रीशाम निर्वाण रूपं विं व्याप्कं भवे स्वरूपं मंत्र वो जो मन को छुए तंत्र वो जो तन को छुए और यंत्र वो जो वातावरण को छुए। लेकिन तंत्र शक्ति के बारे में कहा जाता है कि तंत्र के लिए जरूरी नहीं है तंत्र मंत्र किसे अगर मेरे शरीर में ऐसा कुछ करने में तो कुछ नहीं है। देखिए जी मैं तो तीनों का माध्यम पुश मत करना। मेरी जिम्मेवारी नहीं है जी जी बिल्कुल जी, मेरी जिम्मेवारी कुछ नहीं है। ओम देमगम्या ओम ओम एंग्रिंग ओम एंग्रिंग चतुष्टानां वाचं मुखं आजल फिजिकली अटैक करने के लिए कोशिश मत कर दो। ओम त्र्यंबकम्या इधर तो प्रेस कर रहा है पीछे। ओम वाजवास मुझे निगाकान मुगल मुनिम देम गिरागान गोतिष्मि चंगुरिम करारम महाकाल कारम कृपालम गुणाकार संसार पारम तुम तुषार अर्जुन गाज गोरम गोय मनोबोधि कोटि प्रभासी शर्म सुपुर मोलो कलोनी चलो भूंगो सब दावानी गुजर फिजिकल प्रश्न मत करना ये तो अच्छा। ओम यामिशुजामि समिजिम गार्मिशम रामदि मोरम शिवमिजिगाचुम ओम ओम त्रयम गम्यामे सुगंधि पुष्टि वर्धनम नो फिजिकल प्रश्न है मुद्दम ओम ओम रिंग रिंग बोलाम की सब दुष्टा नाम वाचम मुखम स्तभ्यम जीव्या कीले कीले बुद्धि विना
बुद्धि विनाशाय ओम एंग्लिंग फट स्वाहा ओम एंग्लिंग सदुस्ता नाम जम्मुखम स्तम जिव्या कीले 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 बुद्धि विनाशाय ओम एंग्लिंग फट स्वाहा ओम एंग्लिंग लिंग सोनाल ओम एंग्लिंग लिंग ओम एंग्लिंग लिंग बगला मुखी सदुस्ता नाम वाचम मुखम स्तभ्यम तो ऐसा ऐसा घूमने के लिए मत कोशिश कर दो ओम फिजिकली घूमने के लिए मत कोशिश कर दो इसमें कुछ नहीं है तंत्र मंत्र से आपको करना है आप तंत्र मैं भी ऐसे करेगा ये तो घूमने का बात नहीं है आप तंत्र मंत्र से बात नहीं है आप तंत्र मंत्र कीजिए मैंने ऐसे ऐसे करके तो ये घूमने का बात बताया तो क्या है आप सोनाल अलग रहिए आप जो तंत्र मंत्र से कर सकते हैं तंत्र मंत्र के लिए जरूरी नहीं है कि फिजिकल अपीयरेंस हो मैं इनको टच भी नहीं करूंगा जी दैट्स इट सोनार या देवी सर्वोदेश सोनार करालम महाकाल कालम कृपालम गुणाकार संसार पालम तुषारादि संकाश गौरम गमीर मनमोति कोटि प्रवासी शरम सुरमौली मनमोली कारुगंगाल शब्दा बालन भूखंडे भजन शैलेंद्र आपने बताया शरीर में टच कर बिना टच करके करेगा ऐसे ऐसे करके तो घूमने के बाद ऐसे मत करना जो करना हो तो कर दो वो तंत्र शक्ति क्या वो मंत्र शक्ति क्या जिससे छूना पड़े शरीर को छूना स्पर्श तो कर सकते हैं ना आप कुछ नहीं करेंगे कोई भी कुछ पुशिंग नहीं करेंगे आपको कोई स्पर्श इजाजत देते हैं आप हाँ आप स्पर्श करने की इजाजत दीजिए ना पुशिंग मिला कह रहे थे देखिए मैं प्रेसिंग नहीं किया नहीं नहीं जब तो उनका हाथ पीछे था इधर तो प्रेस कर रहा था स्पर्श मंत्र से या तो मंत्र के बाद नहीं या तो मैं आपको भी ऐसा प्रेस करने तो आपको कुछ नहीं टेस्ट तो कर सकते हैं ना जी हम नो आपने अभी बताया बिना टचिंग करके आप कुछ करेगा नहीं अभी बताया कुछ क्यों नहीं कर करना? नहीं मैं टेस्ट तो कर सकता हूँ टेस्ट तो जरूर कर दो अब तो इधर प्रेस मत करना मेरा सिर पे तो ऐसा ऐसा नहीं करने के लिए कोशिश कर दो ये फिजिकल संकता नहीं निराकार मुकाल मुरम चिदगम चिदाकाश मुकाश विश्वमिजम निराकार मुकाल मुरम तीन विरागान भूति स्मृति विरिशम करालम महाकाल कालम रूप गुणाकार संसार पारम तुम तुषारादि संकाश गौरम गंभीर मनोभूति कोटि प्रभाषी जम सुरमौली कल्लो निचारुंगल शब्द बालेन्दु कंठे भुजंग चलत कुंड लंब्र सुरमेत्र विशालम प्रसन्नानम नीलकंठम ध्यालम मृगादि चर्मां ब्रह्मण बालम प्रियम शंकरम शरणनाथम भजाम प्रचंडम प्रकर्षम प्रगलम परेशम अखंडम भजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयाशूल निर्मूलम शूलपाणी विजय गम्यम त्रयाशूल निर्मूल शूलपाणी भज महाम अखंडम भजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयाशूल निर्मूलम शूलपाणी भजम भवानी पति वागम ओम त्र्यंबकम भजाम हे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुग्यमृत्यु मुक्षिमामृत ओम ऐं सदुष्टानाम वाचम मुखम स्तभ्यम जीवा कीले 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 बुद्धि विनाशाय सोनाल ओम एंग रिंग लिंग फट स्वाहा ओम एंग रिंग लिंग सर्वस्था नाम वाचन देखो हम जीविया के लिए फिजिकली ये तो हम डांस करने का बात नहीं पंडित जी आप उधर रहिए आप आपने कहा कि आप बिना स्पर्श किए आपने कहा बिना स्पर्श किए तंत्र मंत्र तंत्र मंत्र का क्या मतलब होता है हमने जो बात की फिजिकली प्रेस करने दो तंत्र मंत्र की क्या शक्ति होती है क्या मेरे शरीर में पुष्ट ना किसी को पहले से क्या प्रभाव है ये बताइए सोनल जी कुछ नहीं हो गया ये मंत्र तंत्र बिल्कुल बेकार है अंधविश्वास है
अब आप स्पर्श करने दे नहीं रहे क्योंकि आप तो मेरा इधर तो प्रेस कर रहा, मेरा इधर प्रेस कर रहा, मेरा इधर। पंडित जी एक बात बताइएगा, मान लीजिए सनल यहाँ पर नहीं है, मैं आपके पास आता हूँ कि मुझे सनल के खिलाफ कुछ करना है, सनल तो वहां पर नहीं होंगे, आप कैसे तंत्र मंत्र करेंगे? तो आप सपोज करो मेरी फैमिली मेंबर है, सपोज करो मैं आपका भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ। चलिए आप छू सकते हैं लेकिन आप पुश जो कर रहे हैं वो सनल को शायद मंजूर नहीं है, आप स्पर्श कर सकते हैं। अब छूना नहीं चाहते आप, आपने इधर तो प्रेस कर रहा था, इधर प्रेस कर रहा था, मेरा आंखों के इधर का प्रेस कर रहा था, ये अच्छा आंखों में नहीं किया जी, मैंने आंखों पे किया ही नहीं आपके प्रेस, आप तो इधर प्रेस कर रहा था। आप डर रहे हैं, आप डर रहे हैं, देखिए बिल्कुल डर नहीं है, कुछ नहीं है भाई, ये तो बिल्कुल बेकार है, आप यहाँ प्रेस करने की बजाय आप आंखों पे कह रहे हैं, मैंने यहाँ प्रेस किया आपको, आप तो और यहाँ प्रेस किया है, आंखों पे किया ही नहीं है जी, मैंने तो आप स्पर्श करना और पुश करना प्रेस करना अभी तो 3 मिनट और है, चक्कर रह जाएंगे आप तो, कुछ नहीं है, आप तो लेट जाएंगे, 3 मिनट और है, आप लेट जाएंगे जो है, आप लेट जाएंगे। चलिए पंडित जी आपके पास 3 मिनट और हैं, 3 मिनट 12 मिनट आपने ले लिए हैं। ओम एंग रिंग लिंग चामुंडाय विच्छे या कुंदेन्दु चार हार दबलाय शुभ्रस्ता वर्धाय, मुझसे मत कहना फिर बाद में। ओम त्रियम गमिलाम है सुगंधि पुष्टि वर्धन मुरुवार उग्मबंधा मत्तो मुक्षिम मामृता या देवी सर्वभूत देवी शक्ति रूपिणी संस्था। ओम नमस्तस्यै 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 नमो। ओम एंग रिंग लिंग ओम ओम एंग रिंग लिंग चामुंडाय विच्छे ओम एंग रिंग फिजिकली टच करके तो आप तो डिस्को करने तो इसे करने तो ये तो पीछे पीछे जाओ। मैं तुम्हें अच्छा भी कर दूंगा, अच्छा चिंता नहीं करो, आप अच्छा भी नहीं करेगा, अच्छा भी करेगा, कोई शक्ति नहीं है इसमें, नहीं है तो और 2 मिनट है टाइम, वहां जाके कुछ जो कुछ करना तो चामुंडा प्रेस मत कीजिएगा, पुश मत कीजिएगा। अब सोनल आप 2-3 मिनट बाद आप जो अपने दिमाग से सच्चाई के साथ जी ध्यान से चाकू हाथ से ना छूट जाए। नहीं जी सवाल नहीं करो। ओम इंग चामुंडा और देवी देवताओं को साक्षी मान के कहना। देवी देवताओं को मानते हैं? मैं बिल्कुल मैं नास्तिक हूँ, कोई चीजों को नहीं मानता है। ठीक है, आप उसी भाव से अपनी बात करना, जो भाव आप रखते हैं जीवन उसी भाव से आप रिमार्क्स देना। ठीक है, आप प्रक्रिया जारी रखें। 2 मिनट और है आपको। तबीयत खराब हो जाए तो मुझे बता दे। कुछ नहीं हो रहा भाई, चाकू से मत मारना बस। नहीं बेटा, मेरे बच्चे की तरह हूँ। एक मिनट और। अभी क्या करना है? आप प्रश्न मत कर दो। क्यों इतना प्रश्न करने के लिए, दर्द देने के लिए क्यों कोशिश कर रहे हैं इसके लिए? चलिए कोई बात नहीं, दर्द थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। नहीं ऐसे तो दर्द है, ऐसे तो दर्द बर्दाश्त नहीं भी करूंगा। ऐसा आपको चाहिए तो ऐसा नहीं करना पंडित जी, आप फिजिकली अटैक मत करना, फिजिकली आप उसको असॉल्ट ना करना। नहीं फिजिकली असॉल्ट नहीं करना जी, नहीं नहीं दैट्स नॉट पॉसिबल। बिना टचिंग आपने पहले बताया 15 मिनट में बिना टचिंग करेगा तो मुझे फिजिकली अटैक नहीं, फिजिकली अटैक नहीं करना। मुझे 16 चक्र की माला तो पढ़ने दो, मुझे जो मुझे मंत्र तो पूरे करने दो। सिर्फ अभी उंगली को प्रेस करने के बाद ही 16 चक्र की माला आप पढ़ सकते हैं? हाँ जी, मुझे जरा हाथ दे दो। आप तो सिर्फ 1 मिनट पंडित जी आपके पास बाकी है। अब फिजिकली अटैक मत करना, तो प्रेस करके ये तो ये प्रेस तो करूंगा जी, मैं आपके ये 3 उंगलियां रहेंगी उन पर प्रेस। पहले कितने बार आप कर रहे शुरू से ये कर रहा है
शुरू में जो अभी पहले तो आधे घंटे पहले हम तो 5 मिनट के बाद तुम्हें बेहोश करने के बाद कर दिया, तब भी ऐसे प्रेस कर रहा था, घबरा रहे हैं, वरना तो ये हाथ दे देते पूरा। अरे तो हाथ दे, हाथ दे रहा हूं मैं अपना हाथ दे। चलो चलो मुझे हाथ दे रहा हूं, 50 सेकंड बाकी हैं, हाथ दे रहा हूं। फिजिकली आपने तमाम अटैक नहीं करना, बहुत प्रेसिंग दे रहे हैं आप, दबा रहे हैं जोर से, दबा रहे हैं जोर से। स्पर्श चिकित्सा है जी, मैं भी ऐसा तो प्रेस करना तो आप तो क्राई करेगा। नहीं आप कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं। तो आपने देखा 15 मिनट में भी तांत्रिक सुरेंद्र शर्मा फेल हो गए, लेकिन हार अब भी नहीं मानी उन्होंने, अब आखिरी मौका मांगा। घमासान का ये राउंड भी देखिए आप इस ब्रेक के बाद। तो तंत्र ने दी तर्क को चुनौती। ब्रेक से पहले आपने देखा 15 मिनट में सनल एडमार्कू को बेहोश करने का दावा बिल्कुल खाली गया, तांत्रिक सुरेंद्र शर्मा कामयाब नहीं हो सके, लेकिन फिर भी तंत्र ने तर्क के आगे घुटने टेके नहीं। सुरेंद्र शर्मा ने फिर कुछ वक्त मांगा। सुरेंद्र शर्मा कहते रहे कि अगर सनल ढंग से मुझे अपने शरीर को स्पर्श करने दें तो मैं उन्हें पल भर में बेहोश कर दूंगा। सुरेंद्र शर्मा फिर सनल को छूकर मंत्र पढ़ने लगे। क्या इस बार तंत्र की जीत हुई या फिर तर्क की? 15 मिनट जो पंडित जी पहरल 15 मिनट जो आपने कहा था वो खत्म हो चुका है, पूरा हो चुका है। चलिए सनल आप बताइए, मुझे क्रिया पूरी नहीं करनी, क्या महसूस कर रहे हैं आप? कुछ नहीं हो गया, मेरे शरीर में कुछ नहीं हो गया, मैं बेहोश नहीं हो गया, मैं बिल्कुल ठीक है। आपका मंत्र और तंत्र बिल्कुल असंबंध है, अंधविश्वास है। मैं ये कहूंगा कि मुझे पूरा इन्होंने पूरी क्रिया नहीं करने दी और उस क्रिया में इन्होंने विघ्न बाधाएं डाली। अगर ये विघ्न बाधाएं नहीं, ये हम अंदर से डर रहे थे कि कहीं कुछ और बात ना हो जाए। आप कोई मौका चाहते हैं और? हाँ जी बिल्कुल जी, क्या करेंगे उसमें आप? उसमें मैं इस प्रक्रिया के अलावा जो इनको छू कर ना हो, एक तो कोई ऐसी स्टील का गिलास हो, स्टील का गिलास और इनको छू कर करूंगा जी। मैं देखिए मैं अबुल जी मैं पंडित जी वो तंत्र क्रिया ही तंत्र क्रिया में ऐसे कैसे होता है? अगर छूकर ना की जाए, तंत्र मंत्र अगर हैं वाकई हैं तो वो अदृश्य रूप से प्रभाव डालने चाहिए, उसमें छूकर तो फिर जरूरी क्या है? इन फिर तो छूकर के आपने कहा कि अदृश्य शक्तियां काम करती हैं, मंत्र तंत्र हां छू छू ऐसे बताओ कुछ आपने कहा ना अभी, आपने कहा कि अदृश्य शक्तियां काम करती हैं तंत्र मंत्र के जरिए और वो इंसान पर प्रभाव डालती हैं। जब वो इंसान पर प्रभाव डाल सकती हैं किसी भी व्यक्ति पर, तो उसको छूने की क्या जरूरत है? वो तो अगर इंसान वहां पर मौजूद ना भी हो तब भी प्रभाव डालेंगी। अब देखिए, अब मैं एक मिनट आपका लूंगा जी। देखिए हवन कुंड होता है जी, वहां पर जो है हम राहु केतु मंगल शनि की काले तिल कमल कट्टू गूगल केसर कस्तूरी से आहुति देसी ग्रस्त में चढ़ाए दिन, तीन दिन आहुति, तीन आहुतियां हम जो है हवन कुंड में जो पितृ देवता और जो है तीन आहुतियां ग्राम देवता, तीन आहुतियां स्थान देवता से डाल के और फिर जिसका गोत्र है उससे जो है पीली सरसों उतार करके उसके जो है सब लाल देते हैं हवन कुंड में। दही में सौभाग्य रोग्यम, दही में परम सुखम, यशो दही दिशो दही दिशो दही। लेकिन हमने जो देखा वो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा समा, हंसी मत आप फिर बाद में रोएंगे, अब हंसी मत। देखिए ये शास्त्रों का शास्त्रों में बड़ी शक्ति है, करोड़ों का ऑडियंस, उसके बाद आप स्वयं कहेंगे आप दिखा अगर हवन कुंड हो कुछ। तो देखा आपने, तंत्र अभी भी हार मानने को तैयार नहीं, अब उन्होंने एक हवन कुंड की मांग की। हम देखेंगे कि आगे क्या हुआ इस लड़ाई में। बहरहाल स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त कुछ मेहमान हैं, बीके त्यागी जी हैं जो कि वैज्ञानिक हैं, स्वामी केशवानंद ज्योतिषी और परविज्ञानी हैं, और हनुमत शर्य महायोगी हैं, वेदों के जानकार हैं। और अभी भी एक राय ये कायम है कि मंत्रों में शक्ति होती है, लेकिन क्या इस शक्ति को साबित किया जा सकता है या फिर ये सब फजूल है? ये बातचीत जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद भी। तो तर्क और मंत्र की तंत्र की ये जंग जारी है और हमारे साथ स्वामी केशवानंद जी हैं स्टूडियो में। स्वामी जी, आपने अभी तक देखा ये तो जो तांत्रिक हैं इनकी तो सारी सारी शक्ति, इनके सारे मंत्र ये तो फेल हो गए, लेकिन आप अभी कह रहे हैं कि जो कुछ भी ये करना चाहते थे वो किया जा सकता है लेकिन इनका तरीका गलत है, आप यही कह रहे हैं ना? जी बिल्कुल यही कह रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि तंत्र पर मंत्र पर विश्वास करते हैं हमारे देश में, तो क्या एक बार साबित नहीं हो जाना चाहिए कि वाकई कोई ऐसी शक्ति है या नहीं है? नहीं, तंत्र मंत्र को आप ये बताइए, आप किसी को बेहोश करवाना चाहते हैं उससे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। नहीं, मैं नहीं कहता कि बेहोश करें, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, हम नेगेटिव इस्तेमाल ना करें कि अगर ये शक्ति है, हम पॉजिटिव इसका असर देखें। नहीं, पॉजिटिव ये साबित हो कि इसमें शक्ति है भी या नहीं।
मैं आपके सामने एक चैलेंज रखता हूँ, एक पीलिया का किसी पेशेंट को आप मेरे साथ ले आइए मेरे सामने, मैं उसे ना कुछ खिलाऊंगा ना पिलाऊंगा ना कोई मेडिसिन दूंगा किसी तरीके की, आप मेरे हाथ भी धुलवा सकते हो, कोई केमिकल मेरे हाथों पे नहीं होगा, मैं उसके सिर पे हाथ रखूंगा, दो चार फूंक मारूंगा उसके सिर के ऊपर और आप मेडिकल रिपोर्ट करा लें, विद इन 24 आवर वो 50% ही होगा और 3 डेज के अंदर विद इन 72 आवर 100% उसका पीलिया ठीक कर दूंगा। आप अपने यहाँ करा लें, मेरे यहाँ करा लें, जहाँ चाहते हैं इसको आप करवा के देख सकते हैं मेरे से, मैं इसका दावा करता हूँ आपके सामने। पीलिया का पेशेंट यानी जॉन्डिस का पेशेंट? जी बिल्कुल, और कुछ नहीं खिलाऊंगा ना कुछ पिलाऊंगा, पानी भी नहीं पिलाऊंगा उसके लिए। जी अगर अगर ये तंत्र से किया जा सकता है तो ये एक सदुपयोग है, लेकिन क्या ये मुमकिन है? ये बातचीत हमारी होगी आगे भी, लेकिन फिलहाल जो घमासान चल रहा था हमारे स्टूडियो में वो भी खत्म नहीं हुआ है, बाकी है। तांत्रिक सुरेंद्र शर्मा ने अब ये कहा कि रात को 11 बजने दें और तब वो सनल को बेहोश जरूर कर देंगे। एक ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि रात 11 बजे के बाद क्या क्या हुआ।